आतंकी मसूद को बैन करने के मुद्दे पर भारत का विरोध करने वाले चीन को घेरने और जवाब देने की तैयारी शुरू हो गई है। चीन के बेल्ट एंड रोड फोरम का भारत सरकार के बहिष्कार से चीन बुरी तरह तिलमिला गया है। अमेरिका ने भी इस मामले में भारत का साथ दिया है। दो बड़ी आर्थिक शक्तियों के इस रुख से परेशान चीन ने कहा है कि उसके इस फोरम में 100 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है और सीपैक और ओबीओआर महज चाइना के टूल हैं, औजार हैं, इस क्षेत्र में, इस एरिया में अपना दबदबा और वर्चस्व कायम करने की। चाइना इस इलाके में अपना दबदबा और वर्चस्व कायम करने की गलत काम कर रहा है। चीन ने अगले महीने शुरू हो रहे फोरम को लेकर कहा है कि इसमें 40 देशों की सरकार के प्रतिनिधियों समेत 100 से ज्यादा देश हिस्सा ले सकते हैं। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान भी शामिल हैं। भारत ने 2017 में आयोजित पहले फोरम में भी इससे किनारा कर लिया था। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत बन रहा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है, जिस पर भारत को आपत्ति है। सीपैक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजर रहा है। उसके अलावा देखिए ओबीओआर क्या है। चाइना छोटे मुल्कों को लोन देता है। ये प्रोजेक्ट्स जिनके लिए लोन दिया जाता है फाइनेंशियली कई बार अनवायबल होते हैं और कई केसेस में छोटे मुल्क जो है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली अनवायबल है, फाइनेंशियली पड़ते का सौदा नहीं है, तो वो डेट ट्रैप के अंदर आ जाते हैं और फिर चाइना उन कंट्रीज के अंदर इंटरफेयर करता है। चीन ने 2017 में पहले फोरम का आयोजन किया था। खरबों डॉलर के इस प्रोजेक्ट के तहत चीन दुनिया भर के तमाम देशों तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इन परियोजनाओं को चीनी निवेश के जरिए पूरा किया जाएगा। चीन का कहना है कि हम सहयोगी देशों के साथ इसको लेकर बात करेंगे कि अब तक कितना काम हो चुका है और बाकी काम का ब्लूप्रिंट क्या है। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को लेकर भारत और अमेरिका समेत कई देशों ने चिंता जताई है। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए कई छोटे देश बड़े कर्ज के बोझ तले दब सकते हैं। कर्ज के बदले में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 सालों की लीज पर लिए जाने के चीन के कदम से ये आशंका और गहरी हो गई है। कर्ज के संकट को देखते हुए पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों ने भी चीनी प्रोजेक्ट्स को कम करने की इच्छा जताई है। यानी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के पीछे की चीन की मंशा को अब उसके करीबी मुल्क भी समझने लगे हैं। ऐसे में चीन के लिए अब दुनिया के सामने विकास के बहाने दूसरे मुल्कों में अपना दखल बढ़ाने की योजना का सफल होना मुश्किल हो सकता है।